भारत 2019 फरवरी से कोई भी टी20 श्रृंखला नहीं हारा है, बायलैटरल टी20 श्रृंखला। जो आखिरी हारे थे वो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हारे थे 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले। तब से सिर्फ एक सीरीज ड्रॉ की है, वो भी बारिश के कारण ड्रॉ हुई थी, वो थी साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 2019 अक्टूबर में। लेकिन उसके बाद जीत का सिलसिला कायम है। विजय, यहाँ पर भी जीत के मकसद से ही जाएंगे। हाँ, आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल इज टू विन द सीरीज। पर वो जो आकाश ने पहले बात करी ना, एक्सपेरिमेंट आप करेंगे श्रृंखला जीतने के बाद। पहले दो मैचों के अंदर आपको जो आपकी आपको जो लगता है कि आपकी सबसे स्ट्रांग टीम हो सकती है वो खेलती हुई नजर आएगी। पहले इस चीज़ को ना भूलें, आपके श्रृंखला जीतने का भी बहुत बड़ा एक दबाव आपके ऊपर रहता है। सब किस तरीके से बात कर रहे हैं दौरा शुरू होने से पहले कि आप 6-0 से जीतने की कोशिश करेंगे, या ये श्रृंखला जीतने के लिए भी, ये भी रिकॉर्ड्स में तो वही जाएगी ना, आप जो कह रहे हैं बायलैटरल सीरीज एक और आप जीतते हुए नजर आएंगे। तो पहला काम यही रहेगा कि श्रृंखला कैसे जीती जाए। जी आकाश, श्रीलंका वो आखिरी ओडीआई जीतने के बाद उनका मनोबल बड़ा होगा। आपने कहा था मिकी आर्थर है, वो जरूर सोचेंगे कि हाँ इसको कैसे करना है। यहाँ पर श्रीलंका के आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस की उम्मीद है, क्या उनको वो विनिंग फॉर्मूला मिल गया है कि हाँ, क्योंकि एक कॉन्टेस्ट भी जो है, जो फॉर्मेट भी है वो भी अब थोड़ा सा कम हो गया है, सीमित हो गया है, तो यहाँ पे श्रीलंका शायद एक दो स्टेप आगे आके और अग्रेशन दिखाए। देखिए, स्पिन टू विन, स्पिनर्स ज्यादा खिला रहे हैं। इसुरु उडाना को दोबारा शायद वो देखना चाहेंगे, क्योंकि रजिता इंजर्ड भी हो गए थे और इसुरु उडाना इज अ टी20 स्पेशलिस्ट। करुणा रत्ने का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप उनको मौका देंगे, क्योंकि ही इज दैट ऑलराउंड काइंड ऑफ अ क्रिकेटर। वन डे में जरूर आपको नीचे बैटिंग कराते हैं, टी20 में आप कोशिश कर सकते हैं चलिए थोड़े से ज्यादा ओवर खेलने का उनको मौका दे, क्योंकि उनके बल्ले से गेंद अच्छा लग रही है। अविष्का फर्नांडो अच्छा खेल रहे हैं वहां पर, पिछले मैच में धनंजय डिसिल्वा अच्छा खेल रहे थे, पिछले मैच में हमारे असल अंका साहब अच्छा खेल रहे हैं। तो खिलाड़ी ऐसा नहीं कि आउट ऑफ फॉर्म है, आप उम्मीद यही करेंगे कि उससे बेहतर प्रदर्शन हो, लड़ाई करें। और जीत का एक होता है टॉनिक, जब आप जीतने लगते हैं ना तो थोड़ा सा जस्ट फील गुड फैक्टर जरूर होता है कि चलो हम दोबारा ही काम कर सकते हैं, और उसके लिए जरूर आई थिंक विनिंग द लास्ट गेम वॉज इम्पोर्टेंट। और विजय से बेहतर कोई नहीं बताएगा कि बतौर कोच बहुत सारे कोचिंग यूनिट्स का हिस्सा रहे हैं कि किस तरीके से वो एक मोटिवेशन के लिए जब रिजल्ट सामने होना तो फिर कोच का भी थोड़ा सीना चौड़ा हो जाता है कि चलो यार हम लड़ेंगे, हम दोबारा जीतने का प्रयास करेंगे। जी विजय, बिल्कुल देखिए वो बात जो है ना, मिकी आर्थर बिल्कुल हांडे हुए कोच हैं, इतनी जगहों पे जा चुके हैं और ये बात वो ज़रूर करेंगे वो। और क्या होता है ना, कई बार आपको बार बार याद दिलाया जाता है, एक अच्छे खिलाड़ी को ना बार बार उसको भी याद दिलाना पड़ता है। जो पहले हमने बात करी थी कि देखिए दूसरा मुकाबला आप बहुत क्लोज हारे थे, तीसरे में आप जीत गए हो, तो अगर तीन मैच की बात करें तो उसमें दो में आपने बहुत अच्छा किया, एक अच्छी शुरुआत यहाँ से भी कर सकते हैं।